स्वागत है आपका आज की कक्षा में। अब तक हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। आज हम अशोक के बारे में चर्चा करते हैं। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। कहा जाता है कि अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध गद्दी पर बैठा था और लगभग 4 वर्षों तक इसके उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा था। तो अशोक के गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष पश्चात इसका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि इसका राज्याभिषेक हो गया 269 ईसा पूर्व में। बात करते हैं अशोक के नाम की, तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। और इसके अभिलेखों में इसने उपाधि धारण की है देवानाम प्रिय और देवा नाम प्रिय दसी। ये हो गई अशोक की उपाधियां। इसके परिवार के बारे में देखें तो अशोक की पत्नी का नाम कारुवा की मिलता है और इसके पुत्र का नाम महेंद्र व पुत्री संघमित्रा थी। इस प्रकार से अशोक के बारे में इसका शासनकाल हो गया 273 से 232 ईसा पूर्व और इसका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, इसके शासन की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। कहियों कहे कलिंग विजय जो इसका अभियान था, ये इसने अपने शासन के 8वें वर्ष में किया। तो इसका शासन, ये कलिंग का इसका घटना हो गई 261 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की, इन यात्राओं में इसकी प्रमुख घटनाएं क्या रही कि जहां जहां इसने अपनी धार्मिक यात्राएं की वहां पर इसने कुछ कर माफ कर दिए और भू राजस्व जो इसका था वो इसने 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। कौन सा कर? भू राजस्व। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अशोक के बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम अभिलेख स्थापित करने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। तो हम सबसे पहले इसके अभिलेखों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब अभिलेख के लिए सर्वप्रथम बात यह है कि अशोक को अभिलेख स्थापित करने की प्रेरणा ईरान के शासक दारा प्रथम
से मिली। दारा प्रथम ने ईरान में अभिलेख जैसे लिखवा रखे थे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के भारत में अशोक ने अभिलेख लिखवाए। अब 1750 में टिफेन थेलर, ये नाम ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि इनके बारे में कई बार छोटा प्रश्न पूछा जाता है। टिफेन थेलर, इन्होंने खोज की, सर्वप्रथम अभिलेखों की खोज 1750 में टिफेन थेलर ने की। अब इसने खोज तो दी लेकिन इनको पढ़ नहीं पाया, इनको पढ़ने का काम हुआ 1837 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में, और 1837 और 1750 ये दोनों ईस्वी सन है, ईसा पूर्व नहीं है। तो 1837 ईस्वी में इनको पढ़ने का काम किया जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने इनको पढ़ा, खोजा टिफेन थेलर ने, पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। 1750 में खोजे गए और पढ़ने में लग गया 1837। अब आते हैं हम इनकी भाषा और लिपि पर। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृति और लिपि, देखिए मुख्य रूप से इसकी जो अधिकांश अभिलेखों की लिपि थी वो ब्राह्मी और करोष्टी मिलती है, लेकिन इसके कुछ अभिलेख ग्रीक और अरेमाइक लिपियों में भी थे। तो हम यहां पर चारों नाम नोट कर लेते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक व अरेमाई। इनमें भी खरोष्ठी के दो अभिलेख थे, शाहबाजगढ़ी व मानसहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसहरा के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में, और जितने भी अदर भारत के स्थानों पर अभिलेख पाए गए वो अधिकांश ब्राह्मी लिपि में। यूनान और ग्रीक की तरफ जो अभिलेख पाए जाते हैं वो ग्रीक और अरेमाइक में हैं। तो इस प्रकार से शाहबाजगढ़ी और मानसहरा खरोष्ठी के हो गए, और भारत के अन्य स्थानों पर जो भी आपको अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो सारे ब्राह्मी लिपि में है। इसके प्रमुख अभिलेखों के बारे में बात करें तो इसके देखिए गुजरा और मास्की के जो अभिलेख हैं इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये खास बात है इनकी। बाकी जगह पर अशोक का नाम अशोक नहीं है, देवानाम प्रिय या ये जो इसकी उपाधियां थी यही मिलती हैं अशोक के उल्लेख की जगह पे, लेकिन गुजरा और मास्की का जो अभिलेख है वहां पर इसके अभिलेखों में इसका नाम अशोक दिया गया है। ठीक है, तो ये इसकी एक खास बात हो गई। फिर आता है इसका ये जो कलिंग विजय का अभियान था, इसकी जानकारी हमें इसके हाथी गुंफा अभिलेख से इस अभिलेख के अनुसार जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो कलिंग पर नंदराज नाम के व्यक्ति का शासन था। तो ये जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। एक आता है इसका भामरू अभिलेख। भामरू अभिलेख के अंतर्गत इसने अपने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। इनके प्रति इसने अपनी आस्था प्रकट की है। इसके अलावा एक इसका राज्याभिषेक से संबंधित और अभिलेख आता है,
जो कि मास्की में ही है, लघु अभिलेख जिसे कहते हैं, उसके अंदर अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य बताया है। ये तो हो गई अशोक के अभिलेखों पर चर्चा। अब हम आते हैं अशोक के धर्म के बारे में कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया और बौद्ध धर्म से पहले अशोक कलहण की राज तरंगिणी पुस्तक के अनुसार शिव का उपासक था। कलिंग विजय के पश्चात अशोक अत्यधिक नरसंहार देखकर विचलित हो गया और उपगुप्त के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो उपगुप्त के प्रभाव से अब ये उसकी घटना आती है 261 बीसी की। अब उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया और शस्त्र का त्याग कर दिया और इसी प्रकार से अपनी जनता के अंदर भी इस धर्म को फैलाने के लिए उसने धम्म के नाम से अपने कुछ नियम बना करके जनता में प्रसारित करने शुरू किए। आइए देखते हैं धम्म। तो धम्म के अनुसार अशोक ने अपनी जनता को समझाया कि पाप कर्म से निवृत्त होकर देखिए, पहला है पाप कर्म से निवृत्त हो, दूसरा विश्व कल्याण, विश्व कल्याण की भावना हो, तीसरा था दया दान सत्य और कर्म की शुद्धि। ये ही क्या था? धम्म था। अब अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत जो पाप कर्म से निवृत्त, विश्व कल्याण की भावना, दया दान सत्य और कर्म की शुद्धि को बताया है, तो इनके अनुसार क्या हो गया? सभी मनुष्यों को अशोक ये कहता है कि अपने से बड़ों का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, उन्हें दान दें, आवश्यकता या जरूरतमंद लोगों को सहयोग प्रदान करें, जीव हत्या को बंद करें। सबसे प्रमुख था इसका कि अहिंसा को इसने अपनाया था और अपनी जनता में भी उसने कहा कि किसी भी अनुष्ठान में या किसी भी कार्यों में जीव हत्या को पूरी तरह से त्याग दिया जाए। अब इसका उल्लेख उसके दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में मिलता है। इसका उल्लेख हमें दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में मिलता है। इसके अलावा अशोक ने अपनी जनता को तीसरे अभिलेख में कहा है कि अल्प व्यय यानी कि कम खर्च करें और कम ही संग्रह करें। ये दो बातें उसके तीसरे अभिलेख में मिलती हैं। इसके अलावा अशोक के सांची और सारनाथ के स्तंभ लेख हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हैं। इसके सारनाथ के स्तंभ लेख को तो हमारे राजचिन्ह के रूप में भी ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो सांची और सारनाथ के स्तंभ लेखों में अशोक ने अपने धर्म के बारे में लिखा है कि जो भी भिक्षु या भिक्षुणी संघ के अंदर भ्रष्टाचार फैलाएं, उनको बहिष्कृत करने के लिए कहा गया है। यानी कि नैतिकता को अपनाए रखना बहुत ही अनिवार्य कर रखा था अशोक ने अपने धर्म के अंतर्गत। सांची और सारनाथ के स्तंभ लेख में भिक्षु और भिक्षुणियों के
अब ये देखो भिक्षु और भिक्षुणी जो थे वो कहाँ फैलाएंगे, संघ यानी कि धर्म के जो इनके थे ना संघ बने हुए उनके अंदर। यानी कि जनता के अंदर अपने नियमों के पालन के लिए डिटर्मिनेशन बना रहे, दृढ़ता बनी रहे। अगर वे इनका पालन नहीं करते हैं तो उनको बहिष्कृत करने का प्रावधान भी अशोक ने कर रखा था। इसके अलावा देखिए कि यह तो हो गया धम्म, और धम्म के अलावा अशोक ने धम्म यात्राएं भी प्रारंभ करवाई। इससे पहले तक क्या होता था कि अशोक के पहले के जो शासक थे चंद्रगुप्त और बिंदुसार, वे बिहार यात्राएं करते थे। बिहार यात्राओं के अंतर्गत आखेट किया जाता था, जागरूक किया जाता था, तो इसी कारण से अशोक ने उनको निषेध कर दिया। क्योंकि अशोक ने क्या किया था, अहिंसा को अपना लिया था, तो उसने सभी प्रकार के वध और मृत्युदंड वगैरह बंद कर दिए थे। तो इस कारण से अशोक ने धम्म यात्राओं पर बल दिया और समय समय पर बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थानों का उसने विहार करना प्रारंभ किया, यात्राएं करनी प्रारंभ की। और इन यात्राओं के अंतर्गत वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रचार के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को दान दिया करता था। ठीक है ना, ये हो गई इसकी धम्म यात्राएं। अब देखिए कि किसी भी प्रशासन के अंदर अधिकारी होते हैं, आज की भाषा में हम समझे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो प्रशासनिक अधिकारी जितने भी होते थे उनको भी प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात एक बार अधिवेशन जिसे कहते थे, या यूं कहें कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा करनी पड़ती थी, उसके लिए कार्य करना पड़ता था हर 5 वर्ष में एक बार। इसे कहा जाता था अधिवेशन। तो अधिवेशन क्या था, प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें की प्रादेशिक रज्जुक और युक्त ये थे अधिकारी, इनके बारे में हम डिटेल से प्रशासनिक व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। यानी कि ये कुछ ऐसे अधिकारी थे जो इसके प्रशासन में सहयोग करते थे, इनको भी प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार धर्म के प्रसार के लिए यात्रा करनी पड़ती थी, जिसे कि अधिवेशन के नाम से जाना जाता था। अब हम आते हैं धर्म महामात्र। अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म महामात्र या धम्म महामात्र, एक ही बात है ये, अब इसने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो इसने अपने धर्म के प्रसार के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जिन्हें की धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। और इसका इसने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में, इनकी नियुक्ति कब की थी, 14वें वर्ष में, किसके 14वें वर्ष में, शासनकाल के 14वें वर्ष में, अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में इनकी इसने नियुक्ति की। और इनकी नियुक्ति करने का प्रमुख काम क्या था कि इन व्यक्तियों को या इन धर्म महामात्रों का कार्य होता था जनता के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, या ध्यान रखना कि जनता उसके अनुसार आचरण कर रही है अथवा नहीं, इसके अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं, और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित भी करना। तो इस प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म को अपनाया। फिर इसने अपने अनेक अभिलेखों में, अपने स्तंभ लेखों में इसका उल्लेख किया ताकि जनता को निरंतर इनके बारे में जानकारी मिल सके। फिर इसने धर्म यात्राएं करना प्रारंभ किया। फिर इसने अधिवेशन यानी कि जो भी इसके अधिकारी होते थे उन सब के ऊपर ये एक नियम बना दिया कि वो उसके प्रसार के लिए कार्य करें। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जिससे कि आम जनता में इसका प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से हो और इनका कड़ाई से पालन करवाया जा सके। इसके अलावा अशोक के ही शासनकाल में 251 BC में तृतीय बौद्ध धर्म संगति, यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, तृतीय बौद्ध धर्म संगति का आयोजन हुआ।
अब संगीति के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक धर्म के सभी जानकार अच्छे बड़े ज्ञाता व्यक्तियों को बुला करके एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस करवाना और उस धर्म के ऊपर चर्चा करके उसके सार को निकालना। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध धर्म संगति पाटलिपुत्र में हुई और इसका जो अध्यक्ष था वो मोगलीपुत्र था। तो इस प्रकार से अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसी तृतीय बौद्ध संगति में जो अपने बौद्ध धर्म के तीन पिटक हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो अब सुत पिटक और धम पिटक, सॉरी विनय पिटक था, इन दो की रचना तो प्रथम बौद्ध संगति में हो गई थी। जो तीसरा आता है अपना अभिधम पिटक, इसकी रचना तीसरी बौद्ध संगति के अंतर्गत हुई थी। ये एक खास बात थी। अब अभिधम पिटक के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों को रखा गया है। अशोक के धर्म के बाद में अब हम देखते हैं कि देखिए मौर्यकालीन पूरे प्रशासन पर अगर एक दृष्टि डाली जाए तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, उसके शासन काल में प्रथम जैन संगति हुई, फिर आया बिंदुसार, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपना लिया, फिर आता है अपना अशोक, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी मौर्य साम्राज्य में किसी एक धर्म का बोलबाला नहीं रहा, अलग अलग शासकों ने अलग अलग धर्मों को अपनाया और उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके फलने फूलने के लिए अनेक प्रयास किए। अब धर्म के पश्चात, चूंकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य था तो इसके प्रशासन के लिए निश्चित रूप से एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो अपने अगले वीडियो में हम मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।